बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपके इस चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है टेबल एंड क्यूरी, इसका पहला पार्ट टेबल्स को मुकम्मल कर लिया था। इसमें हमने सीखा था कि टेबल को क्रिएट किस तरह से किया जाता है और एक टेबल पर मल्टीपल ऑप्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी क्यूरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्यूरीज होती क्या है और किस किस टाइप की क्यूरीज एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, क्यूरी क्या होती है? क्यूरी एक क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट होती है, जिसके जरिए हम एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और साथ के साथ उस डाटा को डाटा शीट पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल तरीकेकार है एक टेबल में से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने का, फिल्टर आउट करने का और उनको सॉर्ट करने का। दोस्तों, क्यूरीज जो है उनके जरिए आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें सिलेक्ट करने के बाद उन पर मल्टीपल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करवा सकते हैं, उस सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और उन पर मॉडिफिकेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्यूरीज भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सिलेक्ट क्यूरी, जिसके जरिए आप अपनी मर्जी के डेटा को, अपनी मर्जी की फील्ड्स को सिलेक्ट करके उनको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद है एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरीज इस तरह की क्यूरीज होती हैं जिनके जरिए आप एक टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को ना सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, बल्कि मजीद रिकॉर्ड्स को आप उसमें ऐड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा पैरामेट्रिक क्यूरी। पैरामेट्रिक क्यूरी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इस क्यूरीज के अंदर हम दरअसल पैरामीटर्स को देते हैं। नई पैरामीटर्स में हम ये चीज बताते हैं कि हम एक टेबल में से किस चीज को रिट्रीव करना चाहते हैं और उस चीज को हम एज अ पैरामीटर पास करवाते हैं इस क्यूरी के अंदर। और आखिर में है क्रॉस टेबल क्यूरी। दोस्तों, क्रॉस टेबल क्यूरीज इस तरह की क्यूरीज होती हैं जिनमें हम दरअसल मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, किसी भी नंबर्स का सम वगैरह, यानी मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए जो हमें अलग से क्यूरी प्रोवाइड की जाती है उसका नाम है क्रॉस टेबल क्यूरी। तो दोस्तों, आइए बारी बारी इन तमाम क्यूरीज को डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमारा तमाम फोकस होगा कि किस तरीके से आप सिलेक्ट क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेक्ट क्यूरी कब यूज की जाती है? जब कभी भी आप एक टेबल में मौजूद किसी पर्टिकुलर फील्ड के डाटा को व्यू करना चाहते हैं या एक डेटाबेस में मौजूद मल्टीपल टेबल में से साइमल्टेनियसली डाटा को देखना चाहते हैं सिलेक्ट करके, तो उसके लिए जो क्यूरी यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट क्यूरी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय का और यहाँ पर हम इस एम्प्लॉय के पूरे टेबल में से सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की फील्ड के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस क्रिएट के टैब में जाएंगे। क्रिएट के टैब में जाने के बाद आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा क्यूरीज का, तो आप यहाँ पर क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक शो टेबल की विंडो ओपन होगी। इसमें से आप जिस टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है एम्प्लॉय का, तो हमने इसको इस ऐड पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करें तो इस टेबल में जितनी भी फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं, यानी इस टेबल में जितनी भी फील्ड्स मौजूद हैं, ये आपको इस क्यूरी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नजर आ रही होंगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस, सिटी, सैलरी एंड सम। तो दोस्तों, अब इन तमाम फील्ड में से जिस पर्टिकुलर फील्ड के डाटा को आप देखना चाहते हैं आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉलम के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स को देखना चाहती हूँ, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। दोस्तों, आप गौर करें तो जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया तो इस पूरी ग्रिड के अंदर फील्ड्स के अंदर लिखा हुआ आ गया है फर्स्ट नेम और टेबल का नाम आ गया है एम्प्लॉय। और यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि शो, यानी इस फर्स्ट नेम की फील्ड को जो कि एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद है इसको डिस्प्ले करवाए, शो करा। और क्योंकि मैंने लास्ट नेम की फील्ड को भी सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है के फील्ड का नाम है लास्ट नेम, जिसका टेबल नेम है एम्प्लॉय, इसको शो करवाना है, यानी यहाँ पर टिक मार्क आ गया है। अब दोस्तों, बारी आती है हमें इस क्यूरी को रन करने की। तो दोस्तों, रन करने के लिए हम यहाँ पर रिजल्ट्स के जो आपका ग्रुप है इसमें आपको रन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट जो है इस क्यूरी का नजर आ जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये तो एम्प्लॉय का पूरा टेबल है, लेकिन हमने इस क्वेरी के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस एम्प्लॉय के टेबल में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिट्रीव करवाया है, और रिट्रीव करवाने से मुराद है कि उसको हमने सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के टेबल में जो जितने भी फर्स्ट नेम थे और जितने भी लास्ट नेम का कॉलम था, उनके तमाम रिकॉर्ड्स आपको शो हो चुके हैं। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टेबल में मौजूद किसी भी फील्ड के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू। दोस्तों अभी आप गौर करें तो हमने जो क्यूरी बना सिलेक्ट की क्यूरी यूज की थी, उसके जरिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया था। ऐसा ही था ना कि हमने एक फर्स्ट नेम की फील्ड इसके तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया और लास्ट नेम के कॉलम के तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया था। लेकिन दोस्तों एमएस एक्सेस आपको एक और फीचर फराहम करता है क्यूरी क्राइटेरिया का, जिसके जरिए आप एक कॉलम में मौजूद किसी स्पेसिफिक आइटम को, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। किस तरह से दोस्तों? आप वही काम करेंगे, क्रिएट के बार पर जाएंगे, उसके बाद क्यूरीज के ग्रुप में जाएंगे, क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करने के बाद आप जिस टेबल के स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे, आपका वो टेबल सिलेक्ट होके इस विंडो पर आ गया है। उसके बाद आप इस शो टेबल की विंडो को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जिस फील्ड के रिकॉर्ड को आपने डिस्प्ले करवाना है आप सबसे पहले उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर दोस्तों मुझे फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, लास्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, जॉब टाइटल डिस्प्ले करवाना है और एक एम्प्लॉय का एड्रेस डिस्प्ले करवाना है। लेकिन मुझे जॉब टाइटल में से सिर्फ और सिर्फ सीनियर मैनेजर जो है, जिनका जॉब टाइटल सीनियर मैनेजर है, सिर्फ और सिर्फ उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस वगैरह मुझे ये डिस्प्ले करवाना है। तो दोस्तों इसके लिए एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको एक फीचर क्राइटेरिया का, और इस क्राइटेरिया में आप बताएंगे कि भाई फर्स्ट नेम शो कर दो, लास्ट नेम शो कर दो, जॉब टाइटल शो कर दो और एड्रेस शो कर दो। लेकिन किन रिकॉर्ड्स का, किसका? जिसका जो जॉब टाइटल है वो है सीनियर मैनेजर। तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया है, आप डबल कोटेशन में लिखेंगे सीनियर MANAGER, और आप एक दफा ये कंफर्म कर ले कि ये जो आपने सीनियर मैनेजर लिखा है ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे रिकॉर्ड में आपने लिखा है, यानी SENIOR MANAGER। तो एग्जैक्टली ऐसा ही आपने यहाँ पर लिखना है। अब आपने डबल कोटेशन में ये सीनियर मैनेजर दे दिया। इसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आप अपनी क्यूरी को रन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप इस रिजल्ट के टैब में जाएंगे और इस रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड्स तो शो हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस जॉब टाइटल के जिसका नाम है सीनियर मैनेजर। यानी दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि ये जो क्राइटेरिया का आपको ऑप्शन दिया गया है, क्राइटेरिया का फीचर आपको एमएस एक्सेस ने प्रोवाइड किया है, इसके जरिए ना सिर्फ आप एक फील्ड के तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, मगर किसी भी टेबल में मौजूद स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम में जो इफत नाम का एम्प्लॉय है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिकॉर्ड मुझे शो हो, तो इसके लिए आप क्राइटेरिया में फर्स्ट नेम की फील्ड के नीचे आप क्राइटेरिया में डबल कोटेशन में इफत लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ और सिर्फ किसी इफत नाम के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्राइटेरिया के अंदर मल्टीपल टेबल्स के नाम भी डाल सकते हैं, रिकॉर्ड्स के नाम भी डाल सकते हैं, यानी जिस भी क्राइटेरिया के तौर पर आप अपने टेबल में से डाटा को रिट्रीव करवाना चाहते हैं उसका नाम आप अपने क्राइटेरिया के उस ऑप्शन के सामने दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ, जिसमें हमने एमएस एक्सेस के अंदर सिलेक्ट क्यूरीज एंड क्यूरी क्राइटेरिया से क्या मुराद है, ये फीचर हम किस तरह से अपने टेबल्स पर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्शन क्यूरीज को, इसमें हम टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अपडेट करना और टेबल को किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे क्यूरीज के थ्रू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।